देखिए अक्षय, हम समझते हैं, हम जानते हैं आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन हम भी तो माँ है ना, हमें भी अपनी बेटियों की फिक्र है। और उसे चोट लगी थी, चोट भी दिशा की वजह से लगी थी, दिशा ने उसे डंडे मारे थे, कैसे जाने देते उसे? हम माँ हैं तो एक इंसान भी तो है ना, इंसानियत भी है हमें, बच्चा है, कहाँ जाता, बाहर बाहर तूफान था। चलना। बारिश होने वाली थी और हम जानते हैं ना, तूफानी रात में, बारिश में सड़क पर रात गुजारना कैसा लगता है। आप शायद भूल गए, लेकिन हमको अच्छी तरह से याद है जब हम अपनी बेटियों के साथ घर से निकाले गए थे आधी रात को। और सच बताते हैं कि इस लड़के को घर में रखने से ज्यादा खतरनाक लड़कियों के साथ बाहर सड़क पर रहना था। छवि, पर्दा बंद करो। हम भी इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए हमारी मदद करने के लिए, कोई थोड़ी सी जगह दे दे जहां हम अपनी रात गुजार सकें अपनी बच्चियों के साथ। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आए। उस रात हमारे अंदर कोई खालीपन आ गया था जो आज तक भी है। बार बार उस रात के बारे में बात करना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए अपराजिता? ये एहसास दिलाना मुझे कि मैं गलत था कहीं। लेट मी अश्योर यू अपराजिता कि मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मेरी गलती थी। 15 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़कर मोहिनी को चुना था, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ये बात भी मैं जानता हूं। और अब मैं तुम्हें इसे जो नाम देना है तुम दे दो, ये है हमारा सच। अब मैं क्या अक्षय, अब मैं क्या? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये याद दिला रही हूँ कि जो सैक्रिफाइस मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता, अपराजिता भी नहीं। क्या कहना चाह रहे थे आप? अब मैं क्या? कुछ नहीं। माई दीदी, 3, 2, 1 स्टार्ट। Come on, Chavi. Come on, Chavi. शाबाश बेटा। निकी भाई जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। 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 कंपटीशन में अभी सिर्फ दिशा और छवि बची है, अब देखते हैं कि कौन जीतता है। छवि, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। छवि, हो जाएगा, जल्दी करो। छवि की जीत के आड़ में ना तुम्हारे संस्कार जीते हैं प्राचना। बच्चियों को आपस में इतना प्यार करना सिखाया तुमने, मजा आ गया। पता है, एक बार दिशा ने एक शेर पढ़कर सुनाया था हमको, ये हुनर भी जिंदगी में आज पाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो
तो हार जाना चाहिए। चलिए अब होली दहन की शुरुआत करते हैं। धमाका तो मैं कल करने वाली थी, लेकिन ये काम आज ही करूंगी ताकि उसकी रातों की नींद और खुशी दोनों बर्बाद हो जाए। अपराजिता, मैं सोच रहा था वक्त आ गया है कि हम अपने किले शिकवे भुलाकर बेटियों के भविष्य के लिए आगे बढ़ जाएं एक साथ। आप ठीक कह रहे हैं, हमें अपने फासलों की परछाई अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहिए। करेक्ट, हम सिर्फ उनके मां बाप नहीं, वो गाइड बन जाएं जो उन्हें उस सारी गलतियां करने से बचा ले जो हमने की थी। और उन्हें ये सिखाएं कि उनके हिस्से की खुशियां सिर्फ उनकी हैं और वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। हम उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके गोल्स, उनके एस्पिरेशंस सभी कुछ हासिल करने में उनका सहारा बनेंगे। हम उन्हें इतना मजबूत बनाएंगे कि रोने के लिए उन्हें कभी हमारे कंधे की जरूरत ना पड़े और ना थामने के लिए हमारे हाथ की। खुद गिरे, खुद संभले और खुद खड़े होकर जिंदगी में आगे बढ़े। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो। तो इस लॉन्ड्री को किसी भी तरीके से आग लगा कर रखी। ये लॉन्ड्री उस अपराजिता की सेल्फ रिस्पेक्ट है, राइट? इतने सालों से इसी के सहारे बिना किसी से कुछ मांगे अपना घर चलाती आई है ना, तो अब उसकी यही सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी रोजी रोटी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस शॉर्ट सर्किट की आग में जलकर खाक हो जाएगा। तो काम अधूरा रह गया, पर मैं जरूर लौट कर आऊंगी इस लॉन्ड्री को आग लगाने। अशु देख कैसे सोया है गधे जैसे, और विंडो देख, विंडो भी खुल गई। वो
कोई आके लॉन्ड्री साफ कर जाएगा ना, फिर भी से पता नहीं चलेगा ऐसे सोया है। अरे दी, उसने दवाई खाई है इसलिए उसको नींद आ रही है, अब बेकार में उसके पीछे पड़े रहते हो। अच्छा लड़का है बेचारा। चल अच्छा लड़का। शर्फी होली अपराजिता, सुना है होली पूर्णिमा के दिन होती है, लेकिन इस होली तेरी जिंदगी में अमावस की रात आने वाली, काली रात। अपनी बेटी को तो शादी से बचा लिया तूने, लेकिन अब वह इस बर्बादी से कैसे बचाएगी? टेंशन है? आप ऐसे क्यों बैठी हो टेंशन में? पता नहीं बेटा, मन ना बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। घबरा रहा है मन। क्या यार मम्मा, आप होली के दिन ये सब इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ? आप एक काम करो, हमारी फेवरेट ठंडाई बनाओ, खुद भी मस्त रहो। ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी, वो कुछ लड़के इन्हें जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। कौन थे वो लड़के? अपने कॉलोनी के थे कि बाहर के थे? पता नहीं, ढोल वाले थे, उन्हें किसी ने बुलाया होगा। टॉवेल लाते। तुम्हारे साथ बदतमीजी की? करना चाहते थे, हम तो गुलाल ले रहे थे और एकदम से सबने हमें घेर लिया और हमें रंग लगाने लगे। फिर अर्जुन ने आके हमें बचा लिया। बचा लिया? थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं, होली में ना ऐसा हो जाता है, और अब हम रहेंगे तुम्हारे साथ ना। जाओ बेटा अंदर ले जाओ इसे। थैंक्स। थैंक्स? ऐसे कौन थैंक्स बोलता है? आंटी ऐसा लग रहा है जैसे गेट आउट बोल रही है। हाँ तो तुम्हें शाम को जाना ही है ना? मुझे शाम को जाना है, तब तक मैं मेहमान हूँ। आंटी मेहमान भगवान का रूप होते हैं ना। हेल्प चाहिए थी थोड़ी। हेल्प? कल्पना ने गिफ्ट भेजे हैं कुछ, और अम्मा के लिए ये साड़ी भेजी थी, अम्मा ने इसे फेंक दिया। मैं सोच रहा था अगर तुम एक बार अम्मा से बात करोगी तो वो शायद तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगी। कल्पना जीजी ने साड़ी भेजी है? अच्छी। कल्पना जीजी कैसी है? अच्छी हूँ। तुम्हें नाराज नहीं हो कल्पना से? मैं मतलब जो उसने किया था वो... देखिए जो बीत गया बीत गया, बीती बातों को क्या याद रखना है, तो कल्पना जीजी ही ना, उनसे नाराज कैसे रह सकती हूँ।
आप ये साड़ी ले चलिएगा अम्मा के पास, हम उनसे बात करेंगे। कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है किचन, कुछ जलने की बू आ रही है। लॉन्ड्री की तरफ से आ रही है। बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से, तो फिर आप अपनी बेटी से इतना गुस्सा क्यों हैं? जो हुआ हो गया ना अम्मा, बीती बातों को भूल जाइए। आपको लगता है कि उसने मोहिनी का साथ दिया इसलिए अक्षय हमसे दूर हो गए, और उन्हें लगता है कि हमने आपका हाथ थामा इसलिए आप उनसे दूर हो गई। आप उनकी अम्मा हैं, आपको तो उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। और रही हमारी बात, अक्षय हमसे दूर हुए हैं उसमें जीजी की तो कोई गलती ही नहीं है। वो मोहिनी का साथ नहीं भी देती तो भी अक्षय को हमसे दूर होना था, ये हमारी तकदीर थी, हमारी किस्मत थी। हम अपनी किस्मत से तो नहीं लड़ सकते, होता तो वही है ना जो होना होता है। अम्मा, माँ और बेटी का रिश्ता सबसे प्यारा होता है। हम जानते हैं ना हमारी तीन तीन बेटियां, और अपनी बेटी से बात ना करके आप पर क्या बीत रही होगी ये भी हम जानते हैं। अम्मा, आपको हमारी कसम, इस होली पर सारी बीती बातें भूल जाएंगी और इस रिश्ते को फिर से मौका देंगे। चलिए अब जल्दी से साड़ी पहनिए। हम तुम्हारे लिए पहनेंगे, मगर ये मत समझना कि हमने उसे माफ कर दिया। ठीक है, आप हमारे लिए पहन लीजिए, लीजिए जल्दी से पहन के तैयार हो जाइए, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं पार्टी में आने का। तुम वही लड़के हो ना जिसे अपराजिता ने अपनी लॉन्ड्री में जगह दी, खुजली वाले? हाँ, क्या बातें हो रही थी लड़कियों से? वो अंकल, मैं ठंडाई देने आया था उनको। हांग तो नहीं मिला कहीं तुम में से? मर गया बेटा, आज बेटी से खुजली का बदला लेने चला था। आप क्या तो खुजली का शिकार होना पड़े, आज अंकल खेलेंगे तेरे साथ लठ मार होली। भांग भांग नहीं है अंकल, ठंडाई है ये, बच्चों के लिए ठंडाई। ठीक है, ट्राई करते हैं। नहीं, आपके लिए नहीं है ये, वो मीठा ज्यादा है इसमें, बच्चों के लिए, आपके लिए स्पेशल बनी है। ट्राई कर लेना बेटर है ना, क्या ठंडाई की ठंडाई और होली की होली। ओ बेटे, गया तो आज अर्जुन। तुमने भांग मिलाई थी ना हमारी ठंडाई में, सच बताना। थोड़ी सी बस। तुमने ठंडाई लाई थी बच्चों को देने के लिए ना? पहले इन दोनों को संभाल ले, फिर बाद में तुमसे निपट लूंगी। सॉरी दादा। क्या सॉरी? ये हुआ होली का असली सेलिब्रेशन। अब इस लॉन्ड्री के साथ साथ तुम्हारी बेटियों का भी फ्यूचर का दिया है। चलो आपको डांस करते हैं। जोरी पे बरसे और छोरों पे बरसे, रिफिल कर कर के जोर।
अक्षय का तो बिल्कुल सही चल रहा है, कभी पुरानी बीवी के साथ कभी नई बीवी के साथ। और ये अपराजिता को क्या हो गया है, कैसे फिशरमो की तरह नाच रही है। रहने दो बेटा, क्यों होली के दिन किसके मुंह लगना, सामने देख दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि माँ और पापा ने गलती से भांग दी, कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों साथ में, है ना मेरी वजह से। एक तरह अच्छा ही किया अर्जुन ने इन्हें भांग पिला के, ऐसा लग रहा है जैसे कप के टूटे हुए तार अच्छा से जुड़ गए हो। हाँ बेना, जो काम कल अधूरा रह गया था आज वो मैंने पूरा कर दिया है भैया। अब बस आप एक चार्टर फ्लाइट बुक कर लीजिए। अपराजिता यहाँ लॉन्ड्री में मातम मनाने में बिजी रहेगी और मैं वहां अक्षय को इंजेक्शन देके पूरी तरह कमजोर कर दूंगी। अब मुझे मेरे पति को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। माँ कसम है ना, तू निकलने की तैयारी कर, सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। लोग गुलाल से होली खेलते लेकिन मैं तेरी बेटी के चेहरे के साथ खून की होली खेलूंगा। कितने सवाल पूछ दिए आपको तुम, मैं पूछूं? हाँ। एक सवाल पूछ। अबू तुम जब भी ये 15 साल पहले का कुछ भी याद करती हो तो सिर्फ बुरी बुरी यादें क्यों आती है तुमको, कोई अच्छी याद क्यों नहीं आती, कुछ अच्छा नहीं हुआ था क्या? अच्छी अच्छी याद हमारी याद आती है, अच्छी याद अच्छी यादें कुछ तो थी। क्या थी बताओ बताओ बताओ। अच्छी यादें। हाँ। चीटिंग है ये। क्या? चीटिंग है ये। हमने कहा ना हमको सब याद है, आप भूल गए ना, आप भूल के चले गए ना दुबई। आप बताओ आपको क्या याद है? मुझे मुझे क्या याद? कुछ याद नहीं है ना? नहीं सब याद है। तो फिर आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करके बताओ आपकी सबसे प्यारी और अच्छी याद कौन सी है? मेरी सबसे। आंखें बंद करो। अब सोचो। कुछ याद आया?
कुछ याद आया? क्या याद आया? याद आया कि मैंने जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार किया है और वो हमें ऐसा क्यों लगा जैसे हमने अभी अभी वीर को वहां देखा? प्राजिता कि तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा मैं। अब देखता हूं मैं कि वो कैसे यहां से बाहर निकलती है।
तुमने अरे पाइप लाओ पाइप। हमारी आग आग बुझाने की कोशिश कर। पाइप पाइप लाओ। कैसे हो गया? बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। जस्ट प्रे प्रे कि हमारी निया ठीक हो जाए। सिस्टर कैसी निया? डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब तक होश नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, क्या बोला डॉक्टर ने? अब यहाँ क्यों आ गए? निया दी की तबीयत कैसी है? आईसीयू में होश नहीं आ रहा उसे। होश नहीं आ रहा इसे भी होश नहीं आ रहा। सिस्टर इसे होश क्यों नहीं आ रहा? क्या हो रहा है? डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए।
डॉक्टर जब आएंगे तब आपको भी पता चल जाएगा। पर डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे? आपने बताया ना, आपने बोला कि इमरजेंसी है, तो आ क्यों नहीं रहे? मैम बताया था, अभी वो ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, जैसे ही फ्री होंगे वो आ जाएंगे। तुम कैसे जानते हो निया को? अक्षय, अर्जुन भी दुबई से ही है। निया और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आता हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहाँ संभालो, मैं छवि को देखकर आता हूँ। अक्षय, अक्षय प्लीज डोंट गो, प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। आई नीड यू निया, नीड यू, प्लीज स्टे विद अस। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ना, अस्पताल में ही हूँ ना, यहीं पास ही में हूँ। अगर निया मेरी बेटी है तो छवि भी मेरी बेटी है। जितना टाइम मुझे निया के साथ स्पेंड करना है उतना ही मुझे छवि के साथ भी करना है। निया कैसी है अम्मा? कुछ पता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। छवि, छवि कैसी है? अम्मा हमारी बच्ची को किसकी नजर रख? ये क्या हो गया अम्मा? कितना सहेगी हमारी बच्ची और कितना सहेगी? पिछले कुछ दिनों में क्या क्या नहीं गुजरे उस पर। दूर रहिए, दूर। कोई भी पास है ना तो इसे जिंदा जला दूंगा मैं। डैड इतना ही साथ लिखा था हमारा, आपकी गुड़िया ने आपको हमेशा दुखी दिया है, हो सके तो ये आखिरी दुख भी झेल लेना। भोलेनाथ है कि उस पर तरस ही नहीं कर रहे। बस करो भोलेनाथ, बस करो। कितना बुरा हाल हो गया अम्मा, हमको वो दिखी नहीं अम्मा, हमको कैसे नहीं दिखी? अगर देखते तो बचा लेते ना, ये सब हमारी गलती है, ये सब हमारी गलती है। मेरे से मत बोलो मम्मा, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। कोई गलती नहीं है हमको, हम आते हैं। कहाँ जा रही हो? अम्मा डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में कुछ पैसे भर दो। अब जितना कैश था वो तो लॉन्ड्री के साथ चल गया, हमारे पास कुछ एफडी है, हम वही तुड़वाने जा रहे हैं। और जब तक हम आ नहीं जाते ना तब तक आप ध्यान रखना। उसकी जरूरत नहीं है, कोई एफडी नहीं टूटेगी। मैं भी लगता हूँ ना छवि का कुछ। छवि राव, इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि वीर तो वहीं हॉस्पिटल में और बंधा हुआ है बेड से, हथकड़ी लगी हुई, वो वहां से निकल ही नहीं सकता था। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा था, दरवाजा भी उसी ने बंद किया था। मैं समझ सकता हूँ बेटा, वो क्या होता है ना, कई बार बुरे इंसान जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन बुरे ख्याल जाते जाते ही जाते हैं।
वीर ने तुम्हारे साथ जो भी बदसलूकी की है शायद उसका जख्म उसका डर तुम्हारे सहन में रह गया, लेकिन वो नहीं हो सकता था, वो अस्पताल में है, इंस्पेक्टर ने खुद देखा उसे। पर पापा हम सच कह रहे हैं, हमने उसे देखा था वहां पे। बेटा पुलिस छानबीन कर रही है, वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लॉन्ड्री में आग कैसे लगी। अगर इन सबके पीछे वीर का हाथ होगा ना तो पुलिस पता लगा ही लेगी। छिबड़ा मैं भारी हूं, कुछ काम है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, पापा यहीं पर है। Just relax. You'll be fine now. पापा यहीं है, I love you. आशा दिशा छवि के पास रहना, मैं आ रहा हूं बाहर जाके।